Hello students, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss current affairs 7th of November 2019. We will discuss our first news space. This news related to USA, USK President Donald Trump. United States of America has formally started to leave Paris Climate Agreement. You know, some of the things were in the news when the US declared that they will leave Paris Climate Agreement. Especially USK President Donald Trump, you can see this picture. तो यूएस ने फॉर्मली ये प्रोसीजर शुरू कर दिया जिसके अंदर वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को छोड़ के जाएंगे. ये बताया यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने. आपको पता है माइक पॉम्पियो कुछ टाइम पहले इंडिया भी आए थे. अब हम थोड़ी बात करते हैं क्या है ये पेरिस एग्रीमेंट. तो अगर मैं आपको बेसिकली बताने की कोशिश करूँ तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर दुनिया की सारी कंट्रीज एक साथ बैठे उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट. प्लैनेट अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसकी वजह से जो आइस है वो मेल्ट हो रही है एंटार्क्टिक और आर्टिक में, और उसकी वजह से जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है जिसकी वजह से जो लो हाइट कंट्रीज है उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है, और जो पूरी अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही. तो ये सारा एग्रीमेंट था पेरिस एग्रीमेंट. हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, इसको डिस्कस करते हैं. एडीबी, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक. तो एडीबी ने क्लियर कर दिया $451 मिलियन का एक लोन जो कि होगा पावर कनेक्टिविटी इन चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. तो चेन्नई कन्याकुमारी जो कि आपको दोनों मिलेंगी तमिलनाडु में, उनके बीच में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है. उसके लिए जो पावर होगी, जो पावर ट्रांसमिशन जितनी भी उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बनाया जाएगा विद दिस मनी $451 मिलियन जो कि एक लोन दे रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक. तो इससे क्या होगा, जो पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसमें एक बेटर पावर आ पाएगी, तो उसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट हो पाएगी, पैसा वापस जा पाएगा एडीबी के पास. ये जो इन्फॉर्मेशन ये बताई एडीबी के प्रिंसिपल एनर्जी स्पेशलिस्ट फॉर साउथ एशिया प्रदीप रवि ने. एशियन डेवलपमेंट बैंक की हम बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि 19th दिसंबर 1966 को इसको बनाया गया था. इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे मनीला फिलीपींस में. नेक्स्ट न्यूज, थर्ड न्यूज में हम चलते हैं. इंडियंस अमंग दोस टारगेटेड बाय स्पाईवेयर पेगासस अकॉर्डिंग टू व्हाट्सएप. इसका मतलब क्या है, तो कुछ टाइम पहले व्हाट्सएप ने बताया कि जो जितने भी लोग व्हाट्सएप ऐप यूज कर रहे हैं पूरी दुनिया में उनमें से कुछ लोगों पे एक साइबर अटैक हुआ जिसका नाम था पेगासस. पेगासस आप कह सकते हो वो टूल था जिससे अटैक हुआ. तो पेगासस से जो अटैक हुआ उसमें कुछ इंडियंस भी थे, 20 से 22 इंडियंस थे. तो इंडियन जर्नलिस्ट और इंडियन एक्टिविस्ट उन 1400 लोगों में से थे पूरी दुनिया में से जिन पे ये अटैक हुआ व्हाट्सएप के थ्रू, मतलब जो उनकी इन्फॉर्मेशन थी उसको इन्फॉर्मेशन को इस साइबर अटैक के थ्रू एसेस करने की कोशिश की गई. एक इजरायली कंपनी है जो पेगासस को बनाती है, उन्होंने इस चीज को डिनाई किया. उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका जो सॉफ्टवेयर है पेगासस उसको नहीं यूज किया गया इस चीज के लिए. आपको ये भी चीज बतानी चाहिए व्हाट्सएप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है, चैटिंग ऐप जिसको कि फेसबुक कंट्रोल करता है, उसके टोटल 400 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया में, और इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है व्हाट्सएप के लिए. फोर्थ न्यूज, नेक्स्ट न्यूज, रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी इनॉग्रेट कर लिया इन सेंट्रल रन सफदरजंग हॉस्पिटल. आपको पता है सफदरजंग हॉस्पिटल आपको मिलेगा दिल्ली में. तो दिल्ली में फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल सफदरजंग हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी आ गई है. रोबोटिक सर्जरी के बहुत सारे एडवांटेजेस से टाइम बचता है, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स की सर्जरी हो सकती है, और क्योंकि रोबोट्स थकते नहीं है तो वो ज्यादा काम कर सकते हैं. ये सारे इसके फायदे हैं, और ये बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती है उसमें भी हेल्प करता है. पिक्चर देख सकते हैं आपको समझ लगेगा रोबोटिक सर्जरी कैसे होती है. नेक्स्ट, फिफ्थ न्यूज, इंडियन आर्मी को मिल जाएगी उनकी फर्स्ट धनुष रेजिमेंट. धनुष सबसे पहले आपको बताया जाए धनुष क्या है, तो ये आप एक पिक्चर देख सकते हैं. 1991 की जो कारगिल वॉर थी वहां पर ऐसी गन्स को यूज किया गया था जिनका नाम था बोफोर्स गन. बोफोर्स गन के प्लेटफॉर्म पे इंडिया ने ऐसी गन्स बनाने की कोशिश करी जिसका नाम रखा गया धनुष. तो ये खुद इंडिया में ही बनाई गई गन्स है. तो धनुष रेजिमेंट मार्च 2020 तक फर्स्ट रेजिमेंट बन जाएगी धनुष की. टोटल इंडियन आर्मी को 114 गन्स मिलनी है बाय 2022. उसके बाद अगर और एक रिक्वायरमेंट होगी तो वो और उनको और गन्स दी जाएंगी. धनुष इंडिजिनसली डेवलप्ड वेरिएंट है ऑफ बोफर्स. तो बोफर्स एक स्वीडिश गन थी, उसी के प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया गया, धनुष को बनाया गया. फर्स्ट रेजिमेंट है जो वो 18 गन्स की होगी. गन्स यहाँ पर आप ऐसा मत समझे गन्स जो एक सोल्जर अपने हाथ में कैरी कर रहा है, इतनी बड़ी इसको भी एक गन ही बोला जाता है. असल में आर्टिलरी सेक्टर के अंदर आती है, और इसको मार्च 2020 तक ये फर्स्ट रेजिमेंट रेडी हो जाएगी. अगली चीज, नेक्स्ट न्यूज, NASA's Voyager 2 becomes second spacecraft to reach interstellar space. सबसे पहले आपको बताना चाहिए NASA, National Space Agency of United States of America, NASA जैसे हमारी कंट्री की ISRO. Voyager 2 एक उनके मिशन का नाम है जिसको 1980s में लॉन्च किया गया था. सेकेंड स्पेस क्राफ्ट टू रीच इंटरस्टेलर स्पेस, मतलब इससे पहले भी एक स्पेस क्राफ्ट है जो इंटरस्टेलर स्पेस पहुंचा. इंटरस्टेलर स्पेस मतलब वो स्पेस कैरियर जहां पर हमारा इतना बड़ा जो एक स्टार है सन उसकी इन्फ्लुएंस खत्म होती है, जहां सन की इन्फ्लुएंस खत्म होती है उसको बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस. एक बहुत ही ज्यादा दूरी प्लैनेट अर्थ से.
तो वॉयजर 2 सेकंड ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बन गया जो कि इतनी दूर जा चुका है। इस पिक्चर में अगर आप थोड़ा समझ पाएंगे, प्लैनेट ये सन है तो इस सन का पूरा वो एरिया जहां सन का इन्फ्लुएंस है, और ये वॉयजर 1 और ये वॉयजर 2 है। तो जो वॉयजर 2 है सेकंड ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है, वॉयजर 1 इस एरिया को पार कर गया था, इंटरस्टेलर स्पेस में चला गया 2012 में, वॉयजर 2 गया 2019 में। अगर हम थोड़ी बात करें इंटरस्टेलर स्पेस की तो आपको समझाना चाह रहा था, अगर ये सन है तो ये सारा जो एरिया है सन का इन्फ्लुएंस एरिया, इससे जब बाहर कोई चीज जाती है उसको बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुकी है। अगली चीज सेवंथ न्यूज, हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को चेयर करेंगे इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन, मतलब कि बेसिकली मिलिट्री से रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस है जिसको राजनाथ सिंह को चेयर करेंगे। एक उनकी तरफ एक रशिया की तरफ से भी कोई ऑफिशियल होंगे जो इस कॉन्फ्रेंस को को चेयर करेंगे। राजनाथ सिंह 19th इंडो रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन को चेयर करेंगे। आपको बताना चाहिए कौन सा एडिशन है 19th। जब उनकी विजिट होगी रशिया में एक्सपेक्टेड है कि काफी सारे डील्स जो रशिया के साथ डिफेंस डील्स इंडिया के पेंडिंग है वो भी क्लियर हो जाएगी। जैसे आपको बताएं रशिया के साथ हमें डील करें S-400 की, तो एक्सपेक्टेड है कि S-400 की डील भी थोड़ी आगे बढ़ेगी और इंडिया और रशिया के बीच में और जो डिफेंस डील्स है उसमें भी कोई एडवांसमेंट मिलेगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको काफी सारे करंट अफेयर्स काफी सारे एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी। मैं इस वीडियो को रोज बनाता हूँ, कोशिश करें रेगुलरली इस वीडियो को देखने की, आपकी काफी हेल्प करेगा जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।